नमस्कार जी, आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन, जिसके लिए मैंने आधे पत्ता गोभी को छोटा छोटा कट कर लिया है, दो शिमला मिर्च उनको भी छोटा छोटा कट कर लिया है, और हरे प्याज या स्प्रिंग ओनियन उनका ग्रीन वाला पार्ट जो होता है वो हमने कट करके ले लिया है पत्ते, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम बाद में यूज ग्रेवी में यूज करेंगे, और उनको एक बोल में निकालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के 2 मिनट के लिए साइड रख देंगे, जिससे कि पानी सारी सब्जियाँ अपना पानी रिलीफ कर दें, और सब्जियों को 2 मिनट हो गए थे रखे हुए। उसके बाद हम सब्जियाँ लेंगे ऐसे जिससे आप वीडियो में देख रहे हैं, पानी निचोड़ लेंगे सारी सब्जियों का, हमने सारा पानी अलग कर लिया सब्जियों से, पानी को साइड रखेंगे। हम जो हमारे स्प्रिंग ओनियन थे वो मिक्स करेंगे इसमें, दो चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डाला है, 2 छोटे चम्मच ही डालेंगे मैदा, लाल मिर्च डालेंगे 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक हम थोड़ा हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने सब्जी में पहले भी डाला था, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। छोटे से बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। गरम होने के लिए रख दिया था, एक एक करके जितने हमारे तेल में बोले आएंगे उतने हम डाल देंगे, और उनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे, तेल में डालने के बाद कुछ देर तक हम नहीं गाएंगे, बाद में थोड़ा सा हम टर्न करेंगे, कर लेंगे। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा तेल लेंगे, डालेंगे अदरक लहसुन बारीक कटे हुए अदरक लहसुन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में, फिर हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च जिनको हमने छोटा छोटा कट कर लिया था, 1 मिनट के लिए इनको भी छोटे करेंगे, गैस हम मीडियम टू हाई रखेंगे, अब डालेंगे शिमला मिर्च, प्याज कटे हुए, इनको भी हाई फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे हल्का सा, इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, तब तक हम ये हमारी सब्जियाँ रोस्ट हो गई, तब तक हम कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 चम्मच, उसमें पानी डाल के इस तरह से एक स्लाइड बना लेंगे, ये हमारी ग्रेवी में काम आएगी, फिर हम डाल लेंगे जो हमने हरे प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट अलग करके रखा हुआ था वो डालेंगे, डालेंगे सॉस 1 चम्मच रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस 1/4 चम्मच,
ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे छोटा चम्मच। डालेंगे एक छोटा चम्मच, इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। डालेंगे मिर्च, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च पाउडर डालेंगे एक चौथाई चम्मच, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ग्रेवी के हिसाब से हम पानी डालेंगे, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी डालेंगे। कोई लाभ नहीं देंगे, कोई ला जाएगा तब हमने जो कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी बना के तैयार की थी वो डाल देंगे इसमें। और इसको 102 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम डाल देंगे इसमें हमारे मंचूरियन जो हमने फ्राई करके तैयार किए थे वो डाल देंगे। अब ग्रेवी जितनी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप बनाएंगे ग्रेवी को, 1 या 2 मिनट और पकाएंगे इसको।